बैतूल में फर्जी बही बनाकर न्यायालय से आरोपियों की जमानत कराए जाने का मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें एक निलंबित पटवारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक दो नहीं बल्कि 40 आरोपियों की जमानत फर्जी बही के आधार पर करा चुका है। दरअसल टिकारी इलाके में रहने वाला पप्पू और भोसेही के निलंबित पटवारी श्रीराम पत्रीकर इस फर्जीवाड़े को कई महीनों से अंजाम दे रहे थे। 27 जनवरी को एक मामले में पप्पू फिर किसी आरोपी की जमानत लेने पहुंचा। मामले में न्यायाधीश को शंका होने पर इन्होंने जांच के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि निलंबित पटवारी रिजेक्टेड बही पप्पू को उपलब्ध कराता था, जिसमें पप्पू जमीन का रकबा आदि लिखकर खुद ही सील और हस्ताक्षर भी किया करता था। जैसे जमानत लेने का मैं काम करता था, अगर उसमें मतलब जमानत ज़्यादा हो जाती थी तो मैं मतलब पटवारी से ऋण पुस्ती का लेता था, रिजेक्ट वाली, और कुछ नहीं सोचने से पेज फिर वो लगा लेता था मतलब मेरे ओरिजिनल मतलब भाई पट्टे में, और इस तरह से मतलब वो बदल के फिर मैं जमानत लिया था। सील वगैरह कहाँ से लेते, सील साइन वगैरह कैसे करते थे? सील साइन वो तो मेरे हाथ से कर लेता था। अभी तक कितने लोगों की जमानत करवाई, कितनी जमानत? 30-40 लोगों की, मतलब ज़्यादा। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम श्रीराम पत्रीकर। पता है श्रीराम जी कैसे करते थे इस तरह से? सर मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, मेरा जो वक्तव्य है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने साथ इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, इनने जो भी किया है इनके साथ जो लोग होंगे दूसरे हैं सर, मैं नहीं। आप जो बही देते थे? मैंने बहिया नहीं दी, बही देने वाले भी दूसरे हैं सर। मैं केवल अपनी बहाली के लिए घूमता था, उस बीच में चाय पीने वालों के वहाँ पे ये लोगों का झुंड मिलता था। मैं बता रहा हूँ सर। ये आपके संपर्क में कैसे आए? मेरे संपर्क में ये नहीं आया, चाय वालों की दुकानों पे ये मिले मुझे। इन लोगों ने ये कहा मुझसे कि दीवान जी आपके पास बही होगी, पुरानी बहिया होंगी तो भी दे दो बोले हमको, और मेरे पास जितनी पुरानी भैया है मैंने सर को दी भी और बताई भी। तो क्या पैसे लेके? नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं ये। इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद बहियों के आधार पर जमानत दिए जाने में जहां सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें न्यायालय द्वारा थाने पे सूचना दी गई थी कि एक आदमी ऋण पुस्तिका लेकर फर्जी तरीके से जमानत करवा रहा है, तो कोर्ट में हमारा स्टाफ गया, वहाँ से फिर एक पत्र न्यायालय का उन्होंने दिया, साथ में वो आदमी भी दिया गया जो इस तरह की ऋण पुस्तिका देकर जमानत का काम करवा रहा था। फिर उसे हमने पत्र को जांच में लिया और उस व्यक्ति से पूछताछ की, तो उसने अपना नाम पप्पू पिता ढोंडिया मासोदकर बताया, जो कि प्रतापवाड़ टिकारी का रहने वाला है, और उसने उससे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने जुर्म करना कबूल किया, बताया कि मैंने जो ऋण पुस्तिका थी, ऋण पुस्तिका के बीच के पन्नों को निकाल कर नए पेजों को ऐड करके जमानत का काम करवाता था। वहीं कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, बैतूल।